दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या मक्का मस्जिद को किसी हिंदू ने बनवाया है, सच क्या है। क्या सच है, क्या मक्का मस्जिद को किसी हिंदू ने बनवाया है। दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने 3 दिन के अपने भारत दौरे की शुरुआत दक्षिण भारतीय शहर हैदराबाद से करते हुए फारस और हैदराबाद के 500 साल से ज्यादा पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों की गर्माहट उजागर कर दी। हसन रूहानी गुरुवार शाम को हैदराबाद पहुंचे थे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को राष्ट्रपति हसन रूहानी उन 7 मशहूर मकबरों का दौरा कर रहे हैं, जहां कुतुबशाही सुल्तानों और शाही परिवार के दूसरे सदस्यों की कब्रें हैं। फारसी वंश के कुतुबशाही ने 1518 से लेकर 1687 ईस्वी तक दक्कन के गोलकुंडा राजवंश पर शासन किया था। छठे कुतुबशाही सुल्तान मोहम्मद कुली ने साल 1591 में हैदराबाद शहर की नींव रखी थी। उस वक्त महलों, नहरों और बागानों से सजे इस शहर का डिजाइन ईरानी इंजीनियर मीर मोमिन ने तैयार किया था। चूना पत्थर से बनी हैदराबाद की प्रतिष्ठित 4 मीनार पर भी फारसी मोहरे लगी है, जिनका डिजाइन ईरानी शहर मशहद और इस्फहान की इमारतों से मिलता जुलता है। कुतुब शाही का अंत तब हुआ जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने हैदराबाद पर हमला किया और आखिरी कुतुब शाही सुल्तान अब्दुल हसन कुतुब शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। आज भी हैदराबाद का खाना पहनावा और पुरानी इमारतों को देखकर यह एहसास होता है कि इस शहर का ईरानी कनेक्शन कितना पुराना है। भारत में सबसे बड़े आंगन वाली मक्का मस्जिद कुतुब शाही का एक और ऐतिहासिक चिन्ह मानी जाती है। शुक्रवार को राष्ट्रपति रूहानी यहां नमाज अदा करेंगे। हालांकि ये एक सुन्नी मस्जिद है और इसने एक बड़े शिया नेता के लिए पहली बार अपने दरवाजों को खोला। नमाज के बाद वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। 4 मीनार के करीब बनी इस मस्जिद की नींव भी 7वें कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुतुब ने 1616 से 1617 में रखी थी, लेकिन औरंगजेब के हमले की वजह से इस मस्जिद का काम बीच में ही रोकना पड़ा था। इतिहासकार इस मस्जिद से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताते हैं कि मक्का मस्जिद का राजमिस्त्री एक हिंदू था, जिसकी निगरानी में 8,000 मजदूरों ने मिलकर इसे बनवाया था। 18 मई 2007 में भी ये मस्जिद खबरों में आई थी। एक हिंदू चरमपंथी संगठन अभिनव भारत ने इस मस्जिद में विस्फोट किया था। शुक्रवार की नमाज के बाद हुए इस धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई थी। ये हमला आज भी कोर्ट में लंबित है। ईरान के राष्ट्रपति बनने के बाद साल 2013 में हसन रूहानी पहली बार भारत आए थे। गुरुवार को रूहानी ने शिया और सुन्नी समेत विभिन्न मतों के इस्लामी विद्वानों को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति रूहानी ने शिया और सुन्नी समुदाय के बीच एकता की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इराक और सीरिया जैसे देशों में पश्चिमी देश उनके बीच जानबूझकर मतभेद पैदा कर रहे हैं। उन्होंने भारत को विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच शांति और सह अस्तित्व का उद्यम बताते हुए इस देश की सराहना की। रूहानी ने कहा, भारत अलग अलग धर्मों और मतों के मानने वालों को शांति से एक साथ रहने का एक उदाहरण रहा है। यहाँ के लोग सदियों से साथ रह रहे हैं। शिया, सुन्नी, सूफी और सिख साथ रहते हुए सदियों से देश और सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान भारत समेत क्षेत्र के सभी देशों के साथ भाईचारे का रिश्ता बढ़ाना चाहता है। ये आपके साथ हमने कुछ तथ्य शेयर किए हैं, आपसे बांटे हैं। हम ऐसे ही तथ्य आपके सामने आगे भी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।